बिनौला खल की बात करूँ तो अगर बिनौला खल के दिसंबर वायदे में 2753 का भाव देखने को मिल रहा है, वायदे में 2794 का ही लग चुका है, मामूली सी करेक्शन है। देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे सीर का जो वायदा बाजार है दिसंबर वायदा, वो 2794 का हाई लगा चुका है, यानी कि 2800 पर जाने के लिए फिर से अग्रसर हो रहा है, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए हमने बिनौला खल में सस्टेनेबिलिटी देखी थी कि बिनौला खल की कीमतों में 2800 पर कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए, मान के चलिए कि लगभग 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस तक हमने बिनौला खल के दिसंबर वायदे में 2800 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखी थी, लेकिन फिर उसके बाद से ऊपरी स्तर से दबाव बना और यहाँ पे 2700 का लेवल यहाँ पे टकरा गया। लेकिन अगर वायदा में बिनौला खल 2850 का लेवल तोड़ता है तो बिनौला खल में एक उछाल देखने को मिलेगा, जो बिनौला खल की कीमतों को पोजिशनल बेसिस पर हाल फिलहाल में 2900 से 3000 तक लेके जा सकता है। तो बिनौला खल में तेजी का ही रुझान है, अभी यहाँ से बस एक ब्रेकआउट होना बाकी है। बात करें हाजिर बाजारों की तो हाजिर में भी बिनौला खल की कीमतों में तेजी ही देखने को मिलेगी। साल 2022 बिनौला खल के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। केडी एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडे के मुताबिक मार्च 2022 तक बिनौला खल 4000 तक के भी स्तर दिखाने की ताकत रखता है वायदा बाजारों के अंदर। दूसरा, अभी जो पाउडर्ड मिल्क हुआ, पोल्ट्री की डिमांड हुई, तो वहाँ से भी इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड निकल के सामने आ सकती है। पाउडर्ड मिल्क जो होता है उसकी भी कीमतें बढ़ती नज़र आई हैं, जिसका कहीं ना कहीं बिनौला खल की कीमतों पर असर पड़ता नज़र आ सकता है। तो ओवरऑल रुझान बिनौला खल में तेज़ी का ही रहेगा, साल 2022 में भी बिनौला खल आपको अच्छा मुनाफा देता हुआ नज़र आ सकता है।